वाकई जो सुख भक्ति में है वो कहीं और नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस माहौल से निकलकर चलते हैं अजनाल डैम, जी हाँ, जहाँ पर दूधिया पानी कल कल करता हुआ बहता जा रहा है, बहता जा रहा है और बहता ही जा रहा है। प्रदेश के मुखिया द्वारा बीते वर्षों में जनता से खेत का पानी खेत में रखने की गुहार लगाई जाती रही है। हम पानी को रोकने के लिए पैसा लगाए, मैन पावर लगाए, पानी जरूरी है, बिन पानी सब सूल। मैं ये मानता हूँ अब तो बरसात हो गई, एक बूंद पानी के अंतर, लेकिन हम कैसे चेक डैम बनाए, स्टाफ डैम बनाए, बोरी बंधार बनाए, हमारे परंपरागत रूप से झाबुआ के हमारे आदिवासी भाई और बहनों को देखो कैसा पानी ग्रेविटी के उससे लाते थे, दूर दूर तक बहता हुआ चला जाता था, खेतों में जो झरनों का पानी था उसको वो पहुंचा देते थे, जिसे अपनाकर आम जनता को फायदा भी मिला। खेत का पानी तो खेत में रह गया, लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि एक बांध आज खुद अपने ही पानी को बांध पाने में नाकाम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांकल बांध की, जो राजधानी मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। ये देखिए कल कल कर बहती ये दूध या जल राशि, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये दृश्य वाकई लुभावना है, लेकिन यदि हम एक बांध के नजरिए से देखें तो यह बहता पानी सबूत है बांध की नाकामी का। यदि इस अथाह जलराशि को यहीं रोक लिया जाए, यूं ही बर्बाद न होने दिया जाए, तो निश्चित ही यह पानी अगली वर्षा के पहले तक खेतों की प्यास बुझा सकता था। देखिए इन पथरीली चट्टानों पर बने पानी के ये निशान और यहां 70 साल से रह रहे बुजुर्ग रहवासी। अभी जितना पानी भरा हुआ है इससे कितने ऊपर तक पानी रहता था? इससे 2 फीट पानी ऊपर रहता था। दादा उसमें गर्मियों में पानी मिलता है आपको? नहीं साहब, तोड़ फोड़ हो गई तो इसलिए पानी नहीं मिलता। आइए एक भरपूर नजर डालते हैं इस बांध पर। ये देखिए देख रेख के अभाव में जगह जगह से इस डैम के स्टील गेट्स निकले हुए हैं। कुछ तो गायब हैं और जो हैं वो भी अपनी जगह पर नहीं। इसके साथ ही रिटेनिंग वॉल भी अपने अंतिम पड़ाव पर है और निर्माण कार्य भी आज बुरी दुर्दशा का शिकार हो चला है। आइए चर्चा करते हैं जिम्मेदारों से। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, पुराना स्ट्रक्चर है। 2006 में जो बारिश हुई थी उसमें डैमेज भी हो गया था, कुछ विभाग ने उसको रिपेयर भी कराया था। अभी पुणे वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम है उसमें प्रपोज किया है उसका रेनोवेशन का काम, स्वीकृति अभी नहीं मिली है, अगर मिल जाती है तो उसको फिर से ठीक करा देंगे। दूसरी रही फाटक की बात, तो फाटक अभी सिंचाई जैसे ही शुरू होगी उसको तरीके से लगा करके और सिंचाई होगी उसको।